बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ा था। नेटवर्क मींस बहुत सी चीजों को आपस में इसीलिए जोड़ना, कनेक्ट करना ताकि वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके। फिर हमने कंप्यूटर नेटवर्क को देखा था और कंप्यूटर नेटवर्क मींस दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को इसीलिए कनेक्ट करना ताकि वो रिसोर्सेज को शेयर कर सके, यानी एक कंप्यूटर के पास मौजूद फाइल्स या फिर डाटा को तमाम कंप्यूटर्स को दे सके, तमाम कंप्यूटर्स से शेयर कर सके। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, एक नेटवर्क की बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम तीन मेन टाइप्स लैन, मैन और वैन को पढ़ेंगे। तो आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। लैन, फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ऑफिस बनाया है जिसमें 15 से 20 कंप्यूटर्स मौजूद हैं और आप किसी एक कंप्यूटर में तमाम डाटा, फाइल्स और सॉफ्टवेयर्स को रख देते हैं और अब आप चाहते हैं कि बाकी तमाम कंप्यूटर्स को उससे कनेक्ट कर दें ताकि तमाम कंप्यूटर्स उस एक बड़े कंप्यूटर में मौजूद डाटा को एक्सेस कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसा कनेक्शन बनाने के लिए जो नेटवर्क इस्तेमाल होता है, जो नेटवर्क सेटअप किया जाता है, वो लैन नेटवर्क कहलाता है। लैन मींस लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि सबसे ज्यादा आम इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क है, जो कि बहुत छोटे एरिया को कवर करता है, जैसे किसी मखसूस ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग, किसी ऑफिस, स्कूल्स या फिर कॉलेजेस में, जहां हम ये चाहते हैं कि हमारा डाटा सिर्फ एक कंपनी में शेयर हो और उसके अलावा किसी और कंपनी से शेयर ना हो। तो इस तरह के नेटवर्क को बनाया जाता है कंप्यूटर्स के दरमियान, के जरिए आप ना सिर्फ सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं बल्कि प्रिंटर्स, स्कैनर्स या फिर स्टोरेज को भी शेयर किया जाता है। एक सिस्टम में प्रिंटर, स्कैनर लगा दिया जाता है और बाकी तमाम कंप्यूटर्स अपनी नीड के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 100 या फिर 1000 की तादाद में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। आमतौर पर कंप्यूटर्स लैब में आपने इस तरह के नेटवर्क को देखा होगा और जैसे जैसे कंप्यूटर्स की तादाद बढ़ती है, लैन नेटवर्क की स्पीड स्लो होती जाती है। लैन बनाने के लिए आमतौर पर वायर्स और केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है और अगर आप केबल्स इस्तेमाल नहीं कर रहे तो राउटर्स का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे नेटवर्क को WLAN यानी वायरलेस नेटवर्क भी कहा जाता है। इसके बाद है मैन नेटवर्क, मैन। दोस्तों, जो आपने एक ऑफिस बनाया था और जिसमें कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाने के लिए आपने जिस नेटवर्क का इस्तेमाल किया था वो लैन नेटवर्क था। अब आपका कारोबार और बढ़ गया है और आप मजीद ऑफिस उसी सिटी में बनाना चाहते हैं और उन ऑफिस के अंदर यानी और उस एक ऑफिस के अंदर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर्स को जुड़ने के लिए जो नेटवर्क बनाया जाएगा वो लैन नेटवर्क ही होगा। लेकिन अगर आप एक ऑफिस को दूसरे ऑफिस से कनेक्ट करवाना चाहते हैं, यानी एक ऑफिस में मौजूद कंप्यूटर्स को दूसरे ऑफिस में मौजूद कंप्यूटर्स से कनेक्ट करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में लैन का नेटवर्क इस्तेमाल नहीं होगा। लैन विद इन अ बिल्डिंग होता है कि वो बहुत छोटे एरिया को कवर करता है, तो इसके लिए जो नेटवर्क बनाया जाएगा वो मैन नेटवर्क होगा। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि लैन से बड़ा होगा और वैन यानी इसके बाद जो हम अगली टाइप पढ़ेंगे उससे छोटा होगा। और मैन आमतौर पर मल्टीपल बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए होता है। इसमें आपको लैन की तरह वायर्स, टेलीफोनिक लाइन्स और केबल्स की जरूरत नहीं होती बल्कि डिवाइसेस के जरिए बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करवाया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर कई तरह की बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग बी, बिल्डिंग सी, और इनको कनेक्ट करवाने के लिए डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, इसको आमतौर पर मोबाइल फोन्स के नेटवर्क बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो तीसरी और आखिरी टाइप है वो है वैन। दोस्तों, मैन के नेटवर्क के जरिए विद इन अ सिटी आपने मल्टीपल ऑफिसेस को आपस में कनेक्ट करवा लिया था। अब आप अपने ऑफिसेस मल्टीपल सिटीज यानी या फिर अलग अलग कंट्रीज में बनाना चाहते हैं और तमाम ऑफिसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए
आप मैन को इस्तेमाल नहीं कर सकते कि वो विद इन अ सिटी होता है। तो ऐसे में जो नेटवर्क बनाया जाएगा वो वैन नेटवर्क होगा। तो आमतौर पर ऐसा ही होता है कि एक हेड ऑफिस होता है जो कि किसी एक सिटी में मौजूद होता है और उस कंपनी की अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग सिटीज में मौजूद होती हैं। तो उन तमाम ब्रांचेस को उस हेड ऑफिस से जोड़ने के लिए जो नेटवर्क बनाया जाता है वो वैन नेटवर्क होता है। दोस्तों वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, यानी एक बड़े लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में मौजूद कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करवाता है। वैन की बेहतरीन मिसाल इंटरनेट है। मींस जैसे ही हम इंटरनेट को अपने पास कनेक्ट करते हैं हम पूरी दुनिया यानी पूरे ग्लोब से जुड़ जाते हैं। वैन के अंदर आमतौर पर माइक्रोवेव्स और सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। वैन के अंदर एक बड़ा कंप्यूटर होता है जिसमें तमाम डेटा मौजूद होता है। उस कंप्यूटर को होस्ट कंप्यूटर कहा जाता है और वो तमाम कंप्यूटर्स जो उस बड़े कंप्यूटर के अंदर मौजूद डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं वो क्लाइंट्स कहलाते हैं। लेकिन क्लाइंट्स उस होस्ट कंप्यूटर के डेटा को तभी एक्सेस कर सकते हैं, तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो एक सॉफ्टवेयर टर्मिनल इम्यूलेशन सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के बाद ही वो फाइल्स को डाउनलोड और अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था लैन, वैन और वैन। हमने ये देखा कि लैन सबसे छोटा नेटवर्क होता है यानी स्मॉल एरिया में मौजूद कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, जैसे कि कोई बिल्डिंग या फिर कोई हाउस या फिर कोई स्कूल और कॉलेज। दो या दो से ज्यादा लैंस को अगर आपको आपस में कनेक्ट करवाना है, यानी दो या दो से ज्यादा बिल्डिंग्स को अगर आपने कनेक्ट करवाना है, तो उसके लिए जो नेटवर्क होगा वो मैन नेटवर्क होगा। यानी दो लैंस को जोड़ने के लिए मैन नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है और दो या फिर दो से ज्यादा मैंस नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए जिस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है वो वैन नेटवर्क कहलाता है। तो दोस्तों आइए अब लैन और वैन के डिफरेंसेस को देखते हैं। दोस्तों लैन की लिमिटेशन ये है कि ये लिमिटेड एरिया के लिए होता है, यानी अगर आप किसी एक बिल्डिंग को कनेक्ट करवाना चाहते हैं तो लैन सुटेबल है। अगर दो या दो से ज्यादा बिल्डिंग्स को आप लैन के जरिए कनेक्ट नहीं कर सकते के लिए आमतौर पर यानी इसकी रेंज आमतौर पर 10 मीटर से 1000 मीटर तक की होती है। जबकि वैन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये अनलिमिटेड एक्सपेंशन के लिए होता है, यानी आप जितना बड़ा नेटवर्क चाहो वैन में बना सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन, लैन की इम्प्लीमेंटेशन यानी इसको बनाना आसान होता है क्योंकि ये छोटे एरिया के लिए बनाया जाता है और आमतौर पर छोटी जगह पर किसी भी चीज को सेटअप करना आसान होता है। जबकि वैन के बड़े एरिया के लिए होता है यानी इसमें किसी बड़े एरिया को टारगेट किया जाता है, तो इसीलिए वैन का नेटवर्क बनाना मुश्किल होता है। लैन छोटा होने की वजह से बहुत फास्ट स्पीड का होता है। फॉर एग्जाम्पल 4 किलोमीटर का फासला तय करने में आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा बनिस्बत 2 किलोमीटर के फासले में। जबकि वैन में आमतौर पर सैटेलाइट और माइक्रोवेव के इस्तेमाल की वजह से इसका डेटा ट्रांसफर रेट भी यानी इसकी स्पीड भी फास्ट होती है। ट्रबल शूटिंग, लैन में कोई एरर आ जाए, कोई मसला आ जाए तो उसे ट्रबल शूट करना, उसे हल करना आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक बिल्डिंग में लैन का नेटवर्क है तो कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे ट्रबल शूट करना इतना मुश्किल नहीं होगा। जबकि वैन का नेटवर्क क्योंकि बहुत बड़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान से यूएसए कोई डेटा सेंड कर रहे हैं और डेटा सेंड नहीं हो रहा क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो एरर को डिटेक्ट करना, ढूंढना, फिर उसे रिमूव करना यानी उसकी ट्रबल शूटिंग मुश्किल होती है। सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी, लैन एक स्मॉल एरिया को कवर करता है इसीलिए इसकी सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी बहुत हाई होती है। क्योंकि लैन में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा को शेयर कर रहे होते हैं, किसी एक्सटर्नल डिवाइस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसकी वजह से डाटा सिक्योर रहता है, महफूज रहता है। जबकि वैन में एक्सटर्नल पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से यूएसए आप डाटा को सेंड कर रहे हैं
और पाकिस्तान से यूएसए जाने वाले रूट में कोई आपके डाटा को हैक कर ले तो इसीलिए इसकी सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी प्लान के निस्बत लो होती है। कॉस्ट, प्लान छोटा है इसीलिए इसको बनाने में ज्यादा कॉस्ट नहीं आती, जबकि वैन बड़ा है तो इसको बनाने में भी काफी कीमत लगती है। मेंटेनेंस, प्लान को बनाने के बाद मेंटेन करना आसान होता है इसके साइज की वजह से, जबकि वैन को मेंटेन करना भी मुश्किल होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ लैन और वैन के डिफरेंसेस। अगले लेक्चर में हम नेटवर्क को यानी एक नेटवर्क को बनाने के लिए किन किन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है, किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे।